दोस्तों, तुम्हें आज आदरणीय मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया था उसका चित्र दिखाता हूँ। ये आज वीरवार 26 मार्च का है और ये पानीपत का लॉकडाउन है। ये पानीपत का लॉकडाउन है। क्या ये सरकार की तरफ से लॉकडाउन है, पब्लिक की तरफ से लॉकडाउन है? एक बार आप इस लॉकडाउन का हाल देख लो। ये आप पानीपत सब्जी मंडी का लॉकडाउन का हाल है। लोग कहते हैं हम तो मरेंगे और तुम्हें भी मारेंगे। एक बार पहले आप इसका हाल देख लो। यहाँ पे आप इस का लॉकडाउन का हाल, ये सब्जी कौन बेचता है, इसका मालिक कौन है? आप हो इसका मालिक है? मैं नहीं हूँ मालिक। और कौन है, कौन इसका मरवाओगा देश ने? ये भाई लॉकडाउन देख लो एक बार आप पानीपत का। ये पानीपत का लॉकडाउन देख लो। और ये भाई है सब्जी बेचने वाले। चलो आज सब्जी मंडी सारी बंद हो जाएगी। आज या सब्जी मंडी सरकार से निवेदन करूंगा, या तो सब्जी मंडी बंद कर दो या फिर ये लॉकडाउन का ड्रामा बंद कर दो। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सब्जी मंडी या तो आज बंद कर दी जाए या ये लॉकडाउन बंद कर दिया जाए। ये आप देख लो लॉकडाउन, पानीपत का लॉकडाउन। और जिस दुकानदार से पूछे वो कहते हैं कि सरकार ने आदेश दे रखा सब्जी मंडी लगाने का, या तो ये सब्जी मंडी बंद कर देनी चाहिए या ये लॉकडाउन बंद कर देना चाहिए। आप पानीपत की सब्जी मंडी का हाल देख लो एक बार। ये मेरे भारत का लॉकडाउन है। ये भारत का लॉकडाउन आपके सामने। और यहां पर ये देख लो आप, ये आप भारत का लॉकडाउन देख लो, पानीपत का लॉकडाउन देख लो आप। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा या तो इस सब्जी मंडी को बंद कर दो वरना इस लॉकडाउन को बंद कर दो। मेरे ये नहीं समझ में आता कि अगर लोग पालक ना खाएं, खीरा ना खाएं, गोभी ना खाएं, क्या आदमी मर जाएगा क्या? अगर ये आदमी पेठा ना खाओगा, घिया ना खाओगा, गोभी नहीं खाओगा, भिंडी नहीं खाओगा, क्या आदमी मर जाएगा क्या? मैं सरकार से निवेदन करूंगा ये बात पूछने के लिए कि अगर आदमी बैंगन ना खावे, गोभी ना खावे, खीरा ना खावे, तो क्या आदमी मर जाएगा? या तो ये सब्जी मंडी को बंद कर दो वरना भारत में करोड़ों आदमी मरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मेरी वीडियो सरकार को तब याद आएगी, करोड़ों आदमी मरेंगे, ये आपको बता रहा हूं मैं। ये सब्जी मंडी अगर बंद ना हुई तो करोड़ों आदमी मरेंगे, ये निश्चित तौर पर कह रहा हूं मैं। नरेंद्र हरियाणवी, नरेंद्र पुलिस वाला, पानीपत पुलिस वाला, ये सरकार से कह रहा हूं कि अगर ये सब्जी मंडी बंद ना हुई तो करोड़ों आदमी पक्का मरेंगे। क्योंकि कोरोना वायरस ने सरकार को लिख कर नहीं दिया कि मैं इस सब्जी मंडी के अंदर एंट्री नहीं करूंगा। कोरोना वायरस ने सरकार को लिख कर नहीं दिया कि मैं इस मंडी के अंदर एंट्री नहीं करूंगा। ये पानीपत की मंडी है, या तो सरकार इस मंडी को बंद कराए। अगर सरकार चाहती है कि सारे गोभी, आलू, गाजर, केले हर रोज खाएंगे, तो सरकार अपनी तरफ से कोई स्कीम शुरू करे, घर घर जाकर सब्जी बेचे, गलियों में जाकर सब्जी बेचे, कैसे भी करे। लेकिन जो ये लॉकडाउन आपको दिखाई दे रहा है, ये सख्त हिदायत दी जाए इस बार की, वरना करोड़ों आदमी मरने का जिम्मेवार कौन होगा? सरकार जिम्मेवार है या पब्लिक जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार होगा इसका? ये देख लियो आप, यहां पे हाल देख लो आप, इस सब्जी मंडी का हाल देख लो आप। ये पानीपत की सब्जी मंडी है। ये आप किसी से देख लो, किसी से पूछ लो, बुरा हाल। अगर यहां पर कोरोना वायरस की एंट्री हो जाती है और पानीपत में हजारों आदमी, लाखों आदमी मर जाते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी आम जनता की है या सरकार की है?
क्योंकि किसी भी जनता को रोके हैं तो ये कहते हैं कि हमें तो सरकार ने बोला है मंडी लगवाने के लिए। अब ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं, किसी भी आदमी के मुंह पर मास्क नहीं है। ये आदमी खुद तो घर से मरने के लिए आया है और दूसरों को भी मरने के लिए आया है, कोई मास्क नहीं है। ये बेच रहा है बैंगन, टिंडे, खीरे, पेठा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आदमी गोभी ना खाए, बैंगन ना खाए, टिंडा ना खाए, खीरा ना खाए, घिया ना खाए, क्या आदमी मर जाएगा क्या? 20 दिन अगर आदमी घिया ना खाओगा, बैंगन ना खाओगा, आदमी मर जाएगा क्या? लेकिन ये आदमी, ये जो खड़े हैं, ये देखो किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। ये चाहते हैं कि साले पानीपत वाले मर जाएं, इनकी सोच ये है कि पानीपत वाले मर जाएं। ये लॉकडाउन देख लो आप, मैं सरकार से विनती करता हूं कि ये सब्जी मंडी को बंद कर दिया जाए, वरना पानीपत में लाखों आदमी मरेंगे और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की होगी। जे ये सिस्टम चला हुआ है, या तो मंडी बंद हो जाए, वरना सरकार लाखों आदमी पानीपत में मरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आदमी नहीं मरे, फिर लॉकडाउन से एक भी आदमी नहीं जीवेगा।